بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم سلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأهله. تمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا رب. صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. आज के काम में आप लोगों को मौसूल हुआ है, उसकी मुसाइमा का काम है। सबसे पहले तो आपकी तख्ती अच्छी निभाई है, यहाँ तो काफी चौड़ा हो गया, ये स्ट्रोक्स अच्छे हैं। इसके साथ मशीन का आखिर वी शेप में होगा तो ये दंडाने नहीं आएंगे, बताइए। ठीक है, अच्छे हैं स्ट्रोक्स, अच्छे हैं, पावर की तकनी अच्छी है, माशाल्लाह। यहाँ ज़्यादा खुल गया यहाँ, ठीक है, यहाँ अच्छा है और अच्छे, ये थोड़ा बड़ा हो गया ये, ठीक है। जी इसको ज्यादा तिरछा कर दिया आपने, ये लाइन से नीचे चला गया, ये तिरछा हो गया, इसका रुख ये लाइन से ऊपर ही है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, से नीचे आ गया। और सुबह फातिहा अच्छी निभाई है, मीन बड़ा हो गया, अच्छा है माशाल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब माशाल्लाह। इसको लाइन में लेके आइए, बनून बारीक कलम से लिखा था, ये कलम का साइज ये वाला था, ठीक है ये लिखने के लिए। अच्छा है माशाल्लाह, बस शुक्रिया सर। चलिए, मिस फातिमा का काम है और अच्छे हैं माशाल्लाह, अच्छे स्ट्रोक्स हैं, जबरदस्त, थोड़ा सा आगे लेके आए इसको। अच्छा, यहाँ एक स्ट्रोक इजाफी लगा दिया, चार शीशे हो गए, तीन सीन के और एक आगे दायरे वाला, तो बहुत गोल गोल हो गया, अच्छा है, पांच छोटा हो गया। यहाँ पे फासला कम है, तो और साथ में यहाँ भी फासला बहुत कम है, थोड़ा फासला बढ़ाइए, पांच छोटे हो गए आपके, यहाँ अच्छा है, काफ का सर बहुत छोटा हो गया, काफ को ऊपर कीजिए, उसको पतला कीजिए, ये अच्छे हैं स्ट्रोक्स, ये वाला ये नीचे हो गया, ये अच्छे हैं, ये खुल गया ज्यादा, ये ऊपर वाला ज्यादा अच्छा है क्योंकि इसमें फॉलिंग से नीचे नहीं आए आप, नीचे वाले में ये सीधा हो गया, मोटा भी हो गया, ये बहुत पतला हो गया, दायरे को थोड़ा छोटा करें, ये अच्छा है, ये वाला लावल अच्छा है, ये बहुत छोटा हो गया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे माशाल्लाह। और आप जल्दी लेके आए, देर कर दी, नीचे ले आए काफी, तो इन गलतियों को नोट करें आज आपके काम में, जरा मिस्टेक्स ज्यादा हैं, जबकि जो आपने सूरह फातिहा पेश की है काफी अच्छी है माशाल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब लफ्ज आपस में काफी जुड़ गए, इसको लाइन पे होना है, ये काफी करीब हो गए, ये अच्छे हैं माशाल्लाह, ये दूर हो गए, दूर हो गए, और बाकी बहुत अच्छा माशाल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत आला माशाल्लाह, मुमताज, का काम है, अच्छा है, ये काफी जिगजैग बड़ा हो गया, अच्छा है, जी अच्छा है, ये काफी आगे निकल गया, ये सही है, लेकिन ये यहाँ मोटा हो गया, ये यहाँ ठीक है, अच्छे हैं, सीन के दायरे छोटे हो गए,
छोटा हो गया, ये भी स्वाद का ये सब छोटा हो गया, इसको जो लाइन पे लेके आइए। लाइन पे लेके आए, पहले छोटे हो गए ये अच्छे हैं, हाँ छोटा हो गया पतला हो गया, ये छोटा हो गया सॉफ्ट, और अच्छी आयत है भाई है, काफी बार देर करके यहाँ 100 इजाफी बना दिया, साथ यहाँ छोटी हो गई, इसको लाइन पे लेके आए, तभी भी लाइन पे आएगा नुकते नीचे आ जाएंगे, इसको गौर कीजिएगा, काम आपका माशाल्लाह बहुत आ रहा है ممتاز ما شاء الله شاء الله काम है, और खूब बहुत खूब माशा अल्लाह थोड़ा सा बड़ा करें, अच्छा है इसमें थोड़ा सा अच्छा कलम लाइन ज्यादा ऊपर चला गया, तो हमको उठाएं ये सब बहुत पतला हो गया, इसको सीधा लेके आए, अच्छा है हाथ थोड़ा सा छोटा हो गया, इसको देखें आस पास या थोड़ा बड़ा करें इनको, अच्छे ये अच्छे स्ट्रोक से माशाल्लाह ये ज्यादा अच्छा हो गया, ये बहुत अच्छे उनको थोड़ा सा बड़ा करें, ये अच्छा है माशाल्लाह बहुत खूब माशाल्लाह बस अच्छा दिखता है, लेकिन ये लाइन के नीचे हो गया, ये सब लाइन से नीचे आ गया, लाइन आपकी भी नीचे जा रही है, ये लाइन पे लिखना है अच्छे हैं, लाइन का ख्याल रखें, जावी बहुत अच्छे हो गया आपके, ये दीवानी का जावी अच्छा है बहुत अच्छे नोट कीजिएगा, स्वाता का काम है कि मच है, ये गोल गोल हो गया ऊपर से ही शुरू कर दिया, ये बना के यहीं से आपने इसको यूं कर लिया और नीचे लेके आए फिर ये बना, बाकी यहाँ अच्छे हैं, सीधा सीधा हो गया, छोटा भी हो गया, ये ठीक है, लेकिन थोड़ा 20 की डिग्री पे आए, स्वाद अजीब से हो रहा है, यहाँ बेहतर है, लाइन बहुत छोटा है, पाप बहुत छोटा है, पाप बहुत छोटा है, पाप को थोड़ा बड़ा करें, सही है, दो फिस तरफ करें, अच्छे हैं अच्छे माशाल्लाह, नीम को देखना है पर ये भी ठीक है, शुरुआत में ये पहला सात के ऊपर अलिफ नहीं है, ये मकबूल पतला पतला हो गया, ये उठा के बनाया एक शोशा हा के बाद ज्यादा हो गया, इसको देखें फौरन से हा के बाद लीम बनाए, ये काफी बाद लीम की चोंच निकल रही है, इसको जरा सीधा देखे आए, काफी अच्छा है माशाल्लाह चश्मा का काम है, एक और तिरछा बहुत आ गया, थोड़ा सा कम तिरछा करें इसको, ये अच्छा है, जिनकी मोगला निकले थोड़ा सा नीचे लाए इसको, और मोटा हो गया ये अजीब सा बनाया है, इसको मैं दोबारा बताता हूँ, तो हाँ को और सुबह पाते अच्छी निभाई है माशाल्लाह, नींद करें मोदी अल्फाज के रोग ठीक करें, रोग ठीक नहीं है बाकी चीजों में करें माशाल्लाह, बहुत अच्छे माशाल्लाह मुमताज वाला अल्लाह ठीक
तजर्बा का काम है। अच्छा लगता है। हाँ बहुत बड़ा हो गया। या का ये जो नीचे वाला लेफ्ट है ना, ये बड़ा हो गया जिसकी वजह से ओवरऑल बड़ा लग रहा है। तो नीचे लेके आए अभी बनाए, ये अच्छा है माशाल्लाह। उनको छोटा करें, तारीफ करें। अल-मुस्तकीम नीचे अच्छा बाकी अच्छा है माशाल्लाह। मुमताज जगह आपने लिखी है, बहुत अच्छी कोशिश है। बिल्कुल ठीक, सबर में एक बहुत सोचा आएगा। बहुत बार लाइन के ऊपर रखें, फासला कम करें। माशाल्लाह अच्छा है माशाल्लाह। तो की तकलीफ बहुत अच्छी, बहुत अच्छे माशाल्लाह। ज्यादा तुच्छा हो गया, इसको छोटा करें, इसको शोशे को वादे करें, छोटा करें इसको। बाकी माशाल्लाह बहुत आला, बहुत आला। मुमताज मुमताज बारक अल्लाह फी करमक المزيد زادك الله من فضلك। जबकि तो की तकती भी बहुत अच्छी निभाई है, यहाँ ज्यादा तिरछापन आ गया। यहाँ आकर बेहतर हो गया, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, जरा सीधे की तरफ डाल जाएगा। साइन के रुख को थोड़ा सा बेहतर कीजिएगा, बाकी लोग अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। वाव के रुख को बेहतर करें, मोटा भी हो जाता है ये। तो आहा को मजबूत मजीद मुख्तसर कीजिए, ये बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा, क्या बात माशा। हजमतुल्ला का काम है, सिंह की तकलीफ ज्यादा कृषि हो गई। बस ये गोल गोल नहीं है, आप थोड़े से इधर जाकर खड़ी। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। इसको थोड़ा सा नीचे लाए, इसको लाइन पे रखें, बहुत अच्छा है। बहुत आला बहुत आला। अच्छा तख्ती है बेहतरीन, आप थोड़ा सा बड़ा करें। ये अच्छे ये अच्छे माशा। सौत के शोशे के बाद उठान नहीं है, सौत के शोशा ही उठान है। यहाँ भी आप देखो, ये लाइन के ऊपर रखें, अच्छा पन ज्यादा हो गया। बाकी अच्छा मोशन ये नीचे हो गया, बहुत 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 आखिरी मश भेजी है। और भी बहुत अच्छा है, जिन का ऐसा बड़ा हो गया। अच्छे स्ट्रोक्स हैं, इसको थोड़ा सा आगे करें, काम को ऊपर लेके जाएं। बाकी स्ट्रोक्स बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, क्या बात है। अच्छा निभाया आपने, बहुत अच्छा। आपको थोड़ा नीचे करें, बहुत आला बहुत आला। मुमताज बारकल्लाहु फीक।
जबकि सूरह फातिहा लिखी है। तो राह थोड़े छोटे हो गए। बहुत आला, बहुत आला, इंशाअल्लाह तबारक। बहुत अच्छी। मिस माहिन का काम है, ये बड़े हो गए, छोटा कर दिया बाघ को। चीन बहुत छोटा हो गया, रहा बहुत नीचे आ गया, सीधा चला गया, पर नीचे आके बनता है। चीन पे 400 से हो गए, बहुत छोटा हो गया, बेहतर है, ये बहुत शानदार है। थोड़ा सा आगे बढ़ाए, काफ पे थोड़ा खोले, बहुत आला माशा। मुमताज, मुमताज, बारक अल्लाह फीक। सबका काम चेक हो गया भाई। आप लोगों के काम में देखा गया है कि स्वाद ऊपर चला जाता है, जिसकी वजह से आप जब इसको लाते हैं तो ये एक नुक्ते का दिखता है, जबकि इसको दो नुक्तों का दिखना चाहिए और जाना चाहिए 45। फिर ये ऊपर से नीचे आएगा ताकि यहाँ पर आधा नुक्ता बचे। तो भी ऐसे ही है, इसका अलिफ सही जगह पर ज्वाइन करी है, जो सफेद इसकी खत्म हो रही है यहाँ पर। वगैरह फौरन बनाए, ऊपर से लेके आए इसी तरह। भी लाइन क्या होगा, आज हम तौबा के बाद आइन गाइन की तख्ती पढ़ेंगे। आइन की तख्ती को देखने से पहले
उधर भाई का काम देख लेता हूँ, अगर से वो कहीं से भेजते हैं। बेहतर है तो और रात के दरमियान फासला कम हो गया। और ये आँख काफी छोटी रह गई तो आँख का नाम करो, एक नहीं है, एक होना चाहिए सब करो। हाँ तो बिल्कुल ही वजन नहीं आ रहा, ये सारा लाइन से नीचे चला गया ये। ठीक है अच्छा बहुत माशा अल्लाह। सर ये बस हाँ मैं जो मैं गलती कर रहा हूँ वो बता दीजिएगा। कई दफ़ा मैंने कोशिश की वैसे ही एजुकेशन कौन सा। हाँ किस किस हाँ की बात कर रहे हैं उदय भाई। सर आपने आखिर में जो क्रॉस बनाया ना तो हाँ दो चश्मी हाँ इसमें आपने क्रॉस बनाया थोड़ा सा इरादे में अक्सर देख रहा हूँ कि मेरी गलती बार बार आ रही है और मैं मशक भी कर रहा हूँ लेकिन सही नहीं हो रही। ओके या बनाए नुकता आ गया है पूरा, आपने या बना दिया जैसे या के लिए जाते हैं, बस इसी को आपने ये ऊपर से ये लेके आना है और ऊपर से लाकर फा की तरह, ये स्ट्रोक या की तरह हो गया और ये स्ट्रोक हो गया फा की तरह। सर सर वो जो आपने मेरा क्रॉस लगाया ना वो मुझे बता दें मैंने उसमें क्या उसको घुमाया वजन नहीं उसका पूरा क्या गलती की ताकि मैं आइंदा उसको सही करूँगा इंशाल्लाह। ये बहुत खोल दिया आपने, बड़ा कर दिया, अच्छा ठीक बहुत गोल कर दिया, बहुत बड़ा है कर सर ठीक दिया। ये इस तरह से होगा, ओवल शेप में होगा, आपने है इसको ऐसे ठीक बड़ा कर दिया। है सर बहुत शुक्रिया सर जजाक अल्लाह। ये मैं कर रहा हूँ ठीक इंशाल्लाह इसको इसका बाकी नस्ताइन जो आपने नस्मतुल्लाह भाई ने पूछा, तो नस्ताइन की जो तरकीब है वो दो तरह से, यानी हम कशीदा सीन बनाए तो फिर ये उठाते हैं, ये ऊपर हो जाएगा काफी, तो ये है ये आपकी लाइन आ गई, और एक ये है कि आप ये बनाए धंधाने वाले। इन दोनों के साथ ये वाला नून भी आ सकता है, जैसे मस्ताई में हम ये करके फिर ये नून लिख सकते हैं ऐसे, यहाँ भी ऐसे ही है, जबकि मुस्तकीम में कशीदा के साथ लिखते हैं तो लाम लाम को छोटा सा बना के लाम के साथ डायरेक्ट ये हो गया। अगर आप धंधाने वाला बनाते हैं उसको उठा दें,
ये हो जाएगा। बाकी हम आइन की तख्ती देखेंगे। आइन की तख्ती में दो तरह से आइन है, आइन ये है, एक आइन ये। इसमें आप पूछेंगे दस्ताई में हम ये करके ये बिल्कुल बना सकते हैं, दस्ताई में भी और मुस्तफी में भी। यहाँ में दो तरीके हैं। आइन के बाद जिन हरूफ में हम ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे, ऊपर या नीचे, उसमें ये स्ट्रोक्स ऐसे बनेगा, सीधा बनेगा। अब ये 20 डिग्री पे आ गया, नीचे आधा नुक्ता आ गया। और नीचे वाले में भी ऐसे ही जाते हैं, फर्क ये होता है नीचे में, इसमें आधा नुक्ता आता है और 20 पे होता है, और ये थोड़ा सा झुक जाता है, जैसे कि आप तकरीबन ये 40 का एंगल होगा और इसके नीचे पूरा एक नुक्ता आ जाए। तो ऊपर जाने वालों में और नीचे जाने वालों में आइन का ये स्ट्रोक सीधा ही होता है, लेकिन इसमें 20 डिग्री पे और इसमें 40 डिग्री, जबकि जो आइन के साथ साथ लाइन पे चल रहे हैं या खींच रहे हैं उसमें आपके पास, यानी आइन के बाद या वो खींच रहे हैं या आइन के बाद शोशा आ रहा है, आइन के बाद शोशा या आइन के बाद खींच रहे हैं, उसमें दो ऑप्शन आपके पास हैं, दोनों ठीक है। एक ये कि आप इसको सीधा ही रखें, और एक ये कि आप इसको झूमता हुआ बनाएं, ऐसे ही रखना है 60 पे और ऊपर से ला के ये किया, अब आपने ये बा बना दिया। तो आइन के बाद जो सीधे सीधे ही जा रहे हैं या उनके बाद दंदाना आ रहा है या वो कशीदा है, तो उसमें आप ये दोनों ऑप्शन इख्तियार कर सकते हैं। जबकि आइन के बाद उठने वाले हरूफ या नीचे जाने वाले हरूफ में ये स्ट्रोक स्ट्रेट होगा 20 पे, और ये स्ट्रोक 40 पे। ये समझ में आ गया सबको? अब देखते जाइए जरा। ये आइन भी है और गैन भी है, ठीक, दोनों तख्तियां शामिल। इसमें ये नीचे आया, जिम करो इधर आ गया, आइन दाल छोटे ऊपर जा रहा है, ये आज 20 पे स्ट्रेट इन रॉ,
और नीचे जा रहा है तो ये थोड़ा सा ज्यादा तिरछा और सीधा। आइन सीन में दोनों ऑप्शन है क्योंकि आइन सीन के बाद दंदाना आ रहा है, तो ऐसे करके ये दंदाना ऐसे भी कर सकते हैं और इसको ऐसे भी कर सकते हैं। इसी तरह से आइन सीन कशीदा सीधा सीधा और ये घूमता हुआ, दोनों ऑप्शन मैंने देखे द्वाद में भी ऐसे। जहर अहमद खान और मोहम्मद असदुल्ला बुखारी। ये चूंकि ऊपर की तरफ जा रहा है ये सिंपल है, ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है, ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है, बिल्कुल ऐसा ही है। वैसे 14 और 15 तारीख के हिसाब से तो हम आगे। ये ऊपर जा रहा है सीधा आएगा, नीचे आएंगे तो ये झुकेगा। झुक गया यहाँ पूरा नुकता आ जाएगा। सोचा आएगा तो स्ट्रेट आ जाएगा। ऊपर उठ जाएगा। ज्यादा छुप के नीचे आ रहा है,
थोड़ा सा उठाए, एक उठता बस। हमारे आई किताब पूरी बाकी मैं जो लिखता हूँ आज की आयत वो है, छोटे तो कलम से लिखता हूँ। लाइन ड्रॉ करके सर। एक सवाल पूछ सकता हूँ? जी।
सर मैंने देखा जैसे नस्ख है ना, उसके अंदर आम पेन से भी लिख सकते हैं, जैसे बॉल पेन है उससे भी लिखते हैं तो बहुत खूबसूरत लगता है। अच्छा, रेखा में जैसे बा 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 लिखना है या बा सी लिखना है, तो उसमें आपने सिखाया था कि जी पहले एक लकीर आएगी, फिर लकीर पे हाथ फिर के ऊपर जाएंगे, फिर दोबारा आएंगे, तो कट पेन से तो लिख लेंगे, लेकिन आम पेन से बा बा किसना लिखा जाएगा? उसी तरह से लिखा जाए। अच्छा, थोड़ी सी नोक निकाल के। अच्छा, लोग किसके सामने, आमने सामने हो। सर वैसे अरब में क्या रिवाज है, वो लोग जो लिखते हैं वो अपने अपने पास उम्मीद तौर पे कट पेन से लिखते हैं या फिर वो जो ये बॉल पेन टाइप नहीं, पेन होते हैं नॉर्मल से इससे लिखते हैं? लिखते, नॉर्मल से लिखते हैं। इसी तरह बॉल पेन पेंसिल यूज करते हैं अपने दफ्तरी काम में, और उनको समझ में आता है क्योंकि वो उनके यहाँ रिवाज। अच्छा सर, अगर हम लिखें तो इसमें जो आराब होते हैं वो लगा सकते हैं किसी दूसरे स्याही से, रोशनाई से, दूसरे रंग की जी रोशनाई से? लगा अच्छा, सकते, बिल्कुल लगा सकते। आखिरी बात ये कि वो मैं जो लिख रहा हूँ ना, वो कट वो जो फाउंटेन पेन है कटा हुआ, तो उससे लिखता हूँ। अच्छा, उसकी नोक होती है बहुत शार्प, उसमें जो आप रॉ बनाते हैं बा रॉ या बा दार, तो आप कलम क्योंकि क्योंकि नोक नरम होती है लकड़ी वाले की, वो खूबसूरती से बना देता है। उसमें ये होता है कि इतना हार्ड सेट नहीं, वो पेज कटने लगता है, फटने लगता है, तो उसको उठा के लिखना, फिर ऊपर से बाद में उसकी शक्ल देनी पड़ती है, तो सही है? बस बनना चाहिए क्योंकि उससे तो डायरेक्ट बनता नहीं है, ट्रेसिंग करनी पड़ती है, तो सातवां से ठीक है। ये मैंने इब्तदाई 5 आयत लिखी है सूरत लाला की, ये आप लोग लिख के लाएंगे अच्छा करके, और कोशिश करेंगे इसको वर्टिकल लिखें, ऐसे लंबाई में लिखें। बाकी रह गया से, ठीक अजमत भाई का मेरा नाम भी लिख दीजिएगा। है, अजमत भाई का नाम आएगा।
ठीक है अजमत भाई। उजैर भाई का नाम भी बहुत मुख्तसर है, छोटे छोटे अल्फाज हैं, स्ट्रोक्स हैं उसमें। सर उजैर अहमद खान मोहम्मद तो मुबारक है। अच्छा आप मेरा फोन लिख दें सर, अब नाम आ गया है। आप आइन पे पेश जरूर लगाया करें, लगाते जी सर, होंगे। जी सर, जी सर। कहीं मक्खी बैठ जाए तो अजीज हो जाएगा उधर। सर इसके अंदर अहमद ने हा जो बनाया है आपने, ये वाला बनेगा ना जो जुरेमी वाला है। जी देखो जहर अहमद खान का जो असल लुत्फ आता है ना, वो आता है सुलस में। कैसा सर बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। सर, जैसे ये बार आ लिख सकते हैं, इसी तरह से इसको यार आ भी लिख सकते हैं ना, उजैर अहमद खान में। बिल्कुल चलिए ये भी आपसे मुकम्मल सीखना पड़ेगा। सर ये भी बता दें तरतीब क्या है, रेखा के बाद कौन सा खत, फिर ये सब है, और फिर जो है वो दीवानी कब है। देखें, पहले रुका है जो तुर्की का निसाब है, उसके बाद दीवानी है, उसके बाद जरी दीवानी है, उसके बाद नस्क है, उसके बाद सुलस। सर हमने तो रुका के बाद सीखना शुरू कर दिया, बीच में दोनों वाले नहीं सीखे। नस्क भी ठीक है ना, जिसका हाथ अच्छा है वो नस्क से इब्तदा करे फिर सुलस पे आ जाए। और जो ऐसा होता है ना कि कुछ लोग जिनकी हैंड राइटिंग अच्छी होती है और कुछ बगैर उस्ताद के लिखते रहते हैं, लिखते रहते हैं, लिखते रहते हैं, तो वो जब इब्तदा करें तो नस्क से फिर सुलस में। और जो बिल्कुल ही भी राइटिंग भी अच्छी नहीं है, वो रुका से शुरू करें, फिर दीवानी जली दीवानी, फिर ये तकती। सही आप रुका के बाद नस्क तो भी आ सकते हैं, इस पर भी जंप लगा सकते हैं, क्योंकि ये ठीक करने के बाद आपके लिए ये आसान हो जाएगा। कोई भी एक खत शुरू करें तो ये है। तो सर इसका भी दौरानिया 4 महीने है, सुलझ इसका दौरानिया भी 4 महीने है। नहीं सुलु 5 5 आप लोगों का रुका खत्म होगा तो इंशाल्लाह फिर हम सुलुस शुरू करेंगे, सुलुस या नस।
नस खत्म होगा तो फिर आपने सुलझ शुरू करना है नस के बाद। हाँ, रुका के बाद नस करना है, और मेरा नस जो कोर्स चल रहा है उसके बाद सुलझ करना है सही इंशाल्लाह। बिल्कुल, सर इस्तकामत लगे रहना है। जी, मैं अर्ज कर रहा हूँ, लगे इस्तकामत के साथ चलते रहना रहना है। जी 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 चलते रहना है, चलते रहना, सफर बहुत लंबा है लेकिन बड़ा खुशगवार है, मंजिल भी बड़ी है। तो चले, मशक कीजिएगा, आइन की तख्ती अच्छे से कीजिएगा, इंशाल्लाह परसों आपसे मुलाकात होती है। दुआ में याद रखें कि हमारे अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।